पिछले दो दिनों से एक खबर बिहार की राजनीति में पूरा ट्रेंड कर रही है ये खबर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह हैं वहीं दूसरी तरफ एक बड़े नेता जो जदयू के तरफ से हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ये दो लोगों के बीच का एक शीत युद्ध कह सकते हैं या बड़े प्लानिंग का हिस्सा कह सकते हैं जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने एम चुनाव में भूमिहारों को अपने पक्ष में किया और तीन भूमिहार जीत करके आए कुल छः में से यानी 50 परसेंट का रेशियो रहा वहीं दो राजपूत भी जीत करके आए सवर्णों की एक बड़ी फ़ौज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जुड़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि क्या नीतीश कुमार का और समाप्त हो रहा है और तेजस्वी यादव जगतानंद सिंह की टीम बेहतर काम कर रही है और राजनीतिक रूप से मात देने के लिए तैयार है इन सारी बातों के बीच में जो चीज़ें सामने देखने को मिली उसने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड भी इस पर अपना प्लान करेगी एक तरफ जहां नीतीश कुमार आगे की रणनीति बना रहे हैं वहीं जगतानंद सिंह के पुत्र को शामिल करा करके जिनका कि राजनीतिक कद क्या है इससे कोई अछूता नहीं है जगतानंद सिंह के पुत्र राजनीति में बिल्कुल नए हैं लेकिन जगतानंद सिंह के पुत्र हैं इसलिए वो जरूरी भी हो गए हैं आपको बता दें कि इससे पहले भी जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सेंधमारी की थी जिसके परिणाम अगर देखा जाए तो 15 से 20 प्रतिशत है जिन लोगों को शामिल कराया गया था 2020 के चुनाव से पहले उनकी स्थिति क्या है इससे कोई अछूता नहीं है रघुवंश बाबू के पुत्र भी जदयू में शामिल हुए थे आज उनका नाम तक कोई लेने वाला नहीं है वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई नेता हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया गया था चार एमएलसी एल शामिल हुए थे हालांकि कांग्रेस से शामिल होने वाले को अशोक चौधरी को बेहतर स्थान मिला और उन्हें लगातार नीतीश कुमार के करीब रहने और मंत्री बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से जितने भी नेता गए हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं हाशिए पर है जगतानंद सिंह के पुत्र बहुत कुछ कह रहे थे और उनके शामिल होने के बाद इस रणनीति के पीछे की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने मिल के इस तरह के कई स्वांग किए हैं जिससे कि जनता का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाए 24 सीटों के एमएलसी चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए डी बैकफुट पर है अपने कई सीट हार गई है वहीं राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले कई एम जो कि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीत करके आए थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है इसके पीछे भीतरघात की बात भी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण समाज के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ शिफ्ट होने की खबर ने कहीं ना कहीं नींद उड़ा दी है नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दलों की भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने एक बड़ा गेम प्लान रचा और इस गेम प्लान का हिस्सा था एक और राजपूत को अपने तरफ लाना और जातीय जो गठजोड़ है उसको शामिल कराना जगता बाबू को भी ललन सिंह ने ऑफ़र दिया था लेकिन बहुत पुरानी बात है कि जगतानंद सिंह एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लालू प्रसाद के करीबियों में से एक हैं कभी तो ऐसी स्थिति रही है कि लालू प्रसाद जब जेल गए थे चारा घोटाला मामले में तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना और उनके साथ साय की तरह रह करके शासन चलाना जगता बाबू का सबसे बड़ा योगदान रहा है आपको बता दें कि इन सारी बातों के पीछे जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें कही न कहीं ना कहीं राजनीति है वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कुछ राजनीति के जानकार अपनी नाम नहीं बताने के शर्त पर ये कहते हैं कि ये एक प्लान है जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं और इशारा देना चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी रहेगी अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है राजनीति किस करोड़ बैठती है लेकिन जगता बाबू के बेटे को शामिल करा करके बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा जदयू ने लेकिन जो हार का जो दुख था या लोगों का जो दिमाग इस तरफ जा रहा था कि नीतीश कुमार का और समाप्त हो रहा है उसे डाइल्यूट करने में सफल जरूर हो गए हैं ललन सिंह जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला ऐसे ही भारत लाइव पर लगातार जारी है यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल बेलाइकॉन दबा देने से सभी खबरें आपको मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखें नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजिए गो घंटी बाद बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमने के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट करी नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद